ना, क्योंकि सलमान जी ने पूछी नहीं, तो जब सलमान जी ने पूछी नहीं तो मैं होती कौन हूँ ये बात सामने से रखने वाली। मनीषा रानी की, आई थिंक मनीषा रानी के बारे में मैंने अगर कभी बोला हो, क्योंकि मनीषा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, मैं मिली भी नहीं हूँ सामने से, और मुझे पता भी नहीं वो क्या करती हैं। जब कॉन्ट्रोवर्सी आपकी क्रिएट हुई थी तभी आपने कहा था हाँ मनीषा रानी जैसे लोग जा रहे हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बिग बॉस में जाने की। लेकिन अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी तब आपने हाँ क्यों कहा, जब आपने पहले मना किया था कि आपको नहीं जाने में इंटरेस्ट है। इसी कंट्रोवर्सी को लेकर मैं और जोड़ना चाहूंगी कि आपने सलमान खान को लेकर भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें कही थी, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे? यस, देखिए ऐसा है कि OTT 3 के लिए मेरी बात चली थी जो अनिल कपूर जी कर रहे थे, और उसमें भी इसलिए गई थी कि चलो भैया उसमें सलमान जी नहीं कर रहे तो क्या पता मेरा हो जाए। तो मैं जब गई तो वहाँ पे उनको लगाया लड़की के अंदर दम है, इसको OTT के लिए नहीं रखते हैं, इसको कलर्स के लिए रखते हैं। ये बात है मई की, मई से मेरा जो सफ़र रहा पूरे 6 महीने रहा है, और 6 महीने में हमेशा मैंने जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गई कभी भी किसी को निराश नहीं किया। दूसरी बात मनीषा रानी की, आई थिंक मनीषा रानी के बारे में मैंने अगर कभी बोला हो, क्योंकि मनीषा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, मैं मिली भी नहीं हूँ सामने से, और मुझे पता भी नहीं वो क्या करती हैं, मतलब करती थी, अभी तो भगवान की कृपा से शी इज़ डूइंग रियली गुड। मनीषा के ऊपर कभी मैंने अगर बोला हो तो मेरे को सोच में मैं पड़ जाऊँगी कि मैंने क्यों बोला होगा। रही बात सर की, सलमान सर की, तो भैया उनसे तो मैं मिलना चाहती थी, इसी चक्कर में तो दबंग 3 कर ली हमने और फिर भी नहीं मिले। लेकिन भैया क्या करे, प्यार इतना है, सम्मान इतना है, अब बिग बॉस में जाना है, अपनी कहानी बतानी है, तो बिग बॉस बिगेस्ट रियलिटी शो है, तो जब कुछ करना है तो बिगेस्ट ही करते हैं। अब बिगेस्ट में भाईजान भी आ जाते हैं, हमने तो अनिल कपूर जी वाला किया था, हम तो डर भी रहते कि हमारा तो होगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। हम तो बात सेल्फी के कर रहे थे, हम तो बराबर में खड़े होकर बातचीत करके आए हैं, हम तो रह के आए हैं और हिस्ट्री बना दी है। तो जो आपने बात बोली है वो प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था। आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम बोल दूँ तो भैया वही अपलोड हो जाएगा, फिर कभी जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो उसके शख्स के बारे में बोला जाएगा, तो वो इंटरव्यू भी वैसे ही था। वीडियो थी वायरल भाभी की बात की, लेकिन वहाँ पे जिक्र आ गया दबंग 3 का, और वो किस्से का, और हमने बता दी हकीकत जो हुआ था, उसमें हमारे आँख में से आंसू भी निकल गए, वो अपलोड हो गया, तहलका मच गया। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर ख़त्म, मैंने बोला था, मैंने कहा भैया करियर मेरा सलमान खान ही बनाएंगे, और उस बीच में मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन आपने उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि उनके बाउंसर ने आपने नहीं दिया। तो जो अभी आप अंदर थे बिग बॉस में तो आपने सलमान से बात शेयर किया नहीं की ना, क्योंकि सलमान जी ने पूछी नहीं, तो जब सलमान जी ने पूछी नहीं तो मैं होती कौन हूँ ये बात सामने से रखने वाली। सलमान जी को तो जब मैंने बोला मैंने दबंग 3 किया तो उन्होंने बोला अच्छा दबंग 3 किया आपने, तो जब उनको यही नहीं पता तो वो मुद्दा क्या बताओगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके साथ, लेकिन आपको लगता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही आपके साथ स्टेज पर हुआ, आपके साथ जस्टिफाई हुआ? आपको लगता है प्रीमियर वाले एपिसोड में आपके साथ जस्टिफाई हुआ, आपने जो बाहर बातें की थी कि सलमान खान आपसे बात नहीं कर रहे, मिले नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हमें एज अ व्यूअर हमें नहीं लगा कि आपकी बातों को सुना भी गया है वहाँ पर, लेकिन आपको क्या लगा हुआ वहाँ पर, आपके साथ जस्टिफाई हुआ स्टेज पर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सलमान जी मेरी जो बातें मैं कह रही थी बराबर सुन रहे थे, इसी चक्कर में तो उन्होंने मेरा मुझे पूछा कि अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है, आप हैं कहाँ से, फिर उन्होंने शादी वाली बात भी मेरी पूरी बराबर से सुनी है, तो उन्होंने पूरा अटेंशन दिया है। बात यहाँ तक की आई है कि आप तो बड़ी सुंदर है, आप कैसे बोलती हैं। तो आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ था, क्लिप क्या गई है इंट्रोडक्शन में मुझे पता नहीं, वो मैंने देखी भी नहीं है। मैंने उनके साथ डांस भी किया, मतलब मैंने बोले तो उन्होंने मुझे पूछा आप वायरल भाभी बन के जा रही हैं, आप वायरल भाभी क्यों हैं, तो मैंने बताया अच्छा आप बात बच्चे की आती है, फैमिली मेम्बर कौन है, कहाँ से हैं आप, सारी बातें आई हैं। अच्छा खासा मेरा इवन मेरी सिंगल एंट्री हुई है, जबकि दो दो लोगों की हुई थी, बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अकेले की हुई है। मैंने क्या वायरल भाभी बनके क्या क्या करेंगी, अंदर खाना बनाएंगी तो कैसे करके दिखाइए, मैंने करके दिखाया, झाड़ू लगाएंगे तो कैसे करेंगी करके दिखाइए, अच्छा जिम करेंगे साड़ी पहन के तो करके दिखाइए, आई डिड एवरीथिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ, और इवन यहाँ तक भी हुआ कि मैंने बोला कि हाँ कि मैंने सुना आप लक्ष्मी हैं, आपके पैर लक्ष्मी हैं,
मैंने कहा हाँ ऐसा बोलता है, फिर मैंने अपने पापा की स्टोरी सुनाई, ऐसा वो सब बोले अच्छा ओके उनको कुछ मान के आप, मैंने सुना आप हेमा मालिनी जी के आपको पसंद है हेमा मालिनी आपके, कहीं मैंने इंटरव्यू में सुना था, तो मैंने कहा मेरा नाम भी हेमा से, थैंक यू टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरा ही नाम हेमा रखा, तो बड़े खुश हुए। तो मेरा बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है इंट्रोडक्शन इस पे स्टेज पे, बट ये वाली बात कहीं नहीं हुई कॉन्ट्रोवर्सी वाली। जब अगर वो पूछते तो मैंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बताई हैं मैं वो भी बताती कि सर मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी। मतलब ये है कि सलमान सर तक जो बात पहुंचती है मतलब उनको पता ही नहीं था, और कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा कि सलमान खान की इमेज को लेके आप, मतलब आपको लगा कि गलत है सलमान खान, सलमान जी खान जी की इमेज को लेके मैंने कभी किया ही नहीं। उनके जो आसपास रहते हैं उनके बारे में मैंने हमेशा बोला, सलमान जी को मैंने कभी सलमान जी, मैं थोड़ा बस सलमान जी ने मेरे को धक्का मारा, ये तो फिर जब थंबनेल बनते हैं तो भैया फिर गर्दन यहाँ सलमान जी का एक थंबनेल लगाया हुआ है उनके हाथ में तलवार है मेरी गर्दन है, बताओ भैया इतना खतरनाक कर दिया तुमने कांड, उसको देख के मैं डर गई कि बताओ यार खौफ खौफ सलमान खान, अरे भैया मगर सही से लगा लेता यार। तो चीज़ें आपको पता है कैसे निकलती है, क्या बोलते हैं और क्या निकल के आती है।